भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में विष्णुपद मंदिर के प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन टावर चौक पर किया गया। इस अवसर पर भाजपा गया जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विष्णुपद मंदिर में हिंदू एवं और हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गया जिला प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, एक साजिश के तहत मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। यह सब घटना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने घटित हुई। विष्णुपद मंदिर हिंदुओं का आस्था से जुड़ा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहयोगी से जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करवाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगते हुए गया प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी को बर्खास्त करें। भाजपा गया इस प्रकार के अपमान का सहन नहीं करेगा। भारत के इतिहास में औरंगजेब और अंग्रेजों ने भी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं किया था, जो बिहार की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान कान खोलकर सुन लो, बिहार की सरकार। भाजपा गया जिला 25/8/2022 को विष्णुपद मंदिर की शुद्धिकरण के लिए गंगा मैया और मोक्षदायिनी फल्गु मैया के जल से किया जाएगा। उक्त अवसर पर पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधायक डॉक्टर श्याम देव पासवान, पूर्व जिला अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार, अनिल स्वामी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। कल गया विष्णुपद तीर्थ वेदी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आगमन हुआ था, मुख्यमंत्री के साथ अनेक नेता एवं मंत्रीगण उनके साथ वहां पे जो आए, पूजा अर्चना की, नदी फल्गुनी नदी का डैम का निरीक्षण करके वो वापस गए। सायंकाल एक वीडियो एवं फोटो का फुटेज सामने आता है कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ मुस्लिम धर्म समुदाय से एक मंत्री उपस्थित वहां हुए थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। यह विषय हम सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत आघात का विषय है, अत्यंत दुख का विषय है। लोगों को रात 8 बजे के बाद पता चला, यह घटना दोपहर की है और यह घटना सीधे सीधे एक षड्यंत्र के तहत इसको अंजाम दिया गया। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष के बाद, मुगलों से और अंग्रेजों से बहुत संघर्ष के बाद, हमारे इस पवित्र तीर्थ को मल्लेच्छों से अक्षुण्ण रखने में सफल रहे। पर कल राजनीतिक कारणों से, कल दो बातें जो हैं वो गया के नगरवासियों के लिए बहुत हर्ट करने वाली रही। पहली बात कि मुख्यमंत्री के आगमन पर पिंडदानियों को पिंड विसर्जन से रोका गया घंटों तक। बहुत से ऐसे पिंडदानी हैं जो विसर्जन किए बगैर ही लौट गए। एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वहां जो हमारे क्या नाम है उनका इसराइल मंसूरी जी, इसराइल मंसूरी जी का वहां आगमन हुआ, हमारे मंदिर के गेट पर ही लिखा हुआ है कि अहिंदू प्रवेश निषेध। यहां बौद्ध भी आते हैं, यहां सिख भी आते हैं, उन सब का स्वागत है जो मरणोपरांत अग्नि क्रिया करते हैं, अपने शरीर को अग्नि में दान करते हैं, वो हिंदू कहे गए, उन लोगों का यहाँ स्वागत है, कीड़े पड़ने वालों का नहीं। तो जो कल यहाँ आए और बाद में हमारे भावनाओं को और हर्ट करने के लिए एक वीडियो बनाए कि हम वहाँ गए, हमें मुझे बहुत शांति मिली, बहुत ये हुआ, तो भैया ये पितरों की भूमि है, यहाँ तो शांति मिलना ही है, मरे हुए लोगों को शांति मिल जाता है, आप तो जीवित हैं, तो इस शांति को और लीजिए ना, मोक्ष के अधिकारी बनिए और घर वापसी कर लीजिए, रोज शांति मिलेगा ना। बाकी आप बिना घर वापसी किए हिंदू धर्माविलंबियों के मन को आखेट करने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर हमारे धर्मस्थल में आपका आना और जाके बाद में एक वीडियो प्रसारित करना कि हम तो वहां गए, मुझे बहुत ये हुआ। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आप यहां क्या करने आए थे, क्या करने आए थे वो यहां, क्या वो लोग पूजा करते हैं, क्या मुसलमान लोग पितृ पूजन करते हैं, पिंडदान करते हैं? गया जी का टावर चौक पर किया हूँ और इसलिए किया हूँ कि कल जो पूरे हिंदू सनातन धर्मियों को जो अपमानित करने का कार्य किया है, और एक गया जी की धरती पर भगवान विष्णु का मंदिर है जो पूरे विश्व में जहाँ पर भी हिंदू स्वावलंबी हिंदू समाज के लोग रहते हैं और पूजा पाठ करने
अपने गया जी के धरती पर आते हैं उनको भी दिलों पर चोट पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। सनातन धर्म को चोट पहुंचाया है, सनातन धर्म को नाश करने का प्रक्रिया उन्होंने चालू किया है। ये कभी नाश होने वाला नहीं है, नाश तो जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको होना है। और इसके लिए हम लोग आज ने पुतला दहन करके एक ही संदेश दिया है कि आने वाला दिन में और नीतीश जी अविलंब बिहार की जनता से, बिहार के हिंदू समाज से, सनातन धर्मियों से और भारत के हिंदू समाज से, भारतवासियों से निश्चित रूप से माफ़ी मांगे ताकि ये कार्य आगे नहीं कर सकें। और इसमें वर्जित लिखा हुआ है कि गैर हिंदू समाज उस मंदिर में प्रवेश निषेध है, उसके बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री ने ले जाने का काम किया अपने मंत्री को, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो जिला प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहेंगे। जिला प्रशासन का खुद जब मालिक आए हुए हैं तो प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? प्रशासन तो भावना हो जाता है जब बिहार का खुद मालिक बैठा हुआ है, जो प्रशासन को अपने हाथ पर अपने कलम से सारे जगह पोस्टिंग और नियुक्ति करता है, उसके सामने प्रशासन क्या कर सकते हैं? आगे क्या होगा? आगे हम लोग बृहस्पतिवार को पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे गया नगर वासियों से और गया जिला वासियों से, हिंदू सनातन धर्मियों से, हिंदू समाज से मैं आग्रह अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मैं भगवान विष्णु का जो मंदिर है उस प्रांगण में जाएंगे बृहस्पतिवार को 12 बजे और शुद्धिकरण के लिए हम लोग एकक गंगा जल और फल्गु मैया का नदी से जल उठा करके भगवान विष्णु मंदिर को शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ करेंगे, हमन करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। ये आगे हम लोगों का रणनीति है। मंत्री जी ने जो किया है वो आज तक किसी ने कभी नहीं किया था। जब सामने शिलापट पे लिखा हुआ है गैर हिंदू का जाना वहाँ वर्जित है, फिर भी उन्होंने अपने साथ ले गए उन लोगों को और गर्भगृह में लेके गए। ये भी नहीं कि अंदर चले गए तो बाहर ही छोड़ दें, उनको रुकवा दें, अंदर गर्भगृह में लेके चले गए हैं। पूरे जगह इसका फोटो फ्लैश हो रहा है। हम लोगों के धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया है। क्या मक्का मदीना में हिंदू का वर्जित है तो कोई हिंदू जाता है वहाँ? क्यों हमारे तीर्थ स्थान पर उन्होंने मुस्लिम को लेके आए? क्यों ऐसा काम किया?